आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका टॉपिक फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना, एक्सटिंग्विशर की लंबी स्पेलिंग है, याद रखना है। ये अगर गलत हुई तो सब कुछ गलत है अपना, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पहले वर्बल आपको समझाता हूँ, यहाँ बाद में लिखूँगा। एक्सटिंग्विशर मतलब के बुझाने वाला यंत्र, किस चीज़ को? आग को। ये आग को बुझाने वाला यंत्र है। और ये जो है, मैंने आपको फर्स्ट एड फायर अप्लायंसेज जो बताए थे ना, फायर फाइटिंग अप्लायंस, ये उसी में आता है। ये शुरुआती आग को ही बुझा सकता, थोड़ी बहुत आग को बुझा सकता, किसी फैक्ट्री की आग बुझानी इसके बस की बात नहीं है। किसी घर दुकान मकान में बड़ी आग लगी है तो एक्सटिंग्विशर के बस की बात नहीं है, ये थोड़ी आग के लिए ही काम आता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4-5 किलो की होती है। 1 किलो का भी आता है, छोटी गाड़ियों में, पर्सनल गाड़ियों में रखते हैं। 2 किलो का आता है टैक्सी या बड़ी फैमिली गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें रखते हैं हम लोग, या जो आपके CNG के ये क्या छोटे हाथी बोलते हैं ना गाड़ियाँ, ये सब में चलता है। और ये जो 5-5 किलो के होते हैं, मैं गाड़ियों की बात करूँ तो, ये ट्रकों में और स्कूल की जो बसें होती हैं ये उनमें रखा जाता है। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ 5 किलो का साइज, 4 किलो का, 4 से लेकर 5, 2 होते हैं 4 किलो में, 5 किलो में 4.5 किलो ही होता है, उसको राउंड में 5 किलो का बोल देते हैं। पहले पूरे 5 के होते थे, फिर 4.5 के 4 के बनने लग गए हैं कंफर्टेबल साइज में थोड़े से, तो 4-5 किलो का जो होता है उसको 5 किलो में बोलते हैं। वो एक्सटिंग्विशर मल्टीपर्पज़ होते हैं, हर जगह है, किसी के मकान में, दुकान में, मॉल में, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं उधर, या कोई हॉस्पिटल में, किसी भी बिल्डिंग में जाओ यही मिलेंगे आपको। और इसको ज़मीन पे रखने की बजाय दीवार पे टांगा जाता है। अपन ने सिखाना है तो किधर भी पड़े रहते हैं, आधे खाली रहेंगे, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग में लगाना है इसको, बिल्डिंग वो चाहे हॉस्पिटल की हो चाहे होटल की हो, दीवार पे टांगते हैं। दीवार पे क्यों टांगते हैं? ताकि किधर से भी वो दिखाई दे। हमेशा इसको विजिबिलिटी में रखते हैं, विजिबिलिटी समझते हो, दृश्यता, जहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे, ऐसी जगह उसको रखते हैं। क्योंकि जब आग लगती है तो क्या ना, भगदड़ मच जाती है, लोग डर के ना भागने लगते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो वो टाइम अगर सामने टंगा हुआ दिखेगा तो कोई ना कोई हिम्मत कर लेगा, जिसको चलाना आता है या जिसको थोड़ा सा मालूम है या हिम्मत है थोड़ी सी, तो वो उसको उठा के इस्तेमाल कर लेगा। ऐसे अगर नीचे रखते रहे तो क्या पता किसी टेबल के पीछे है, किसी बड़ी जो है चीज़ के पीछे, या साइड में कहीं कोने में पड़ा होगा, तो भागते हुए आदमी थोड़ा ना ज़मीन पे देखते जाएगा क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, छोड़ देगा उसको। इसीलिए एक्सटिंग्विशर हमेशा दीवार पे सामने टंगाए जाते हैं। जो गैलरी होती है ना हमारी लंबी, वो गैलरियों में ही लगे होते हैं। आदमी आएगा तो गैलरी से ही भाग के ना वहाँ लगे होते हैं सारे के सारे। अच्छा, इसका इस्तेमाल, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि भाई हमें एक ऐसा असरदार हथियार, उपकरण चाहिए था फायर ब्रिगेड के अंदर या फायर के अंदर, जो आग को बुझाने के लिए बड़ा ही कारगर साबित हो और जिसको हर कोई चला सके। ज़रूरी नहीं है कि फायर का डिप्लोमा किया, फायर की ट्रेनिंग लिया हुआ, या फायर अफसर फायर फाइटर ही उसको चलाए, एनीबडी कोई भी उसको यूज कर सके। ऐसी एक चीज़ बनानी थी तो एक्सटिंग्विशर बनाए। शुरुआत में बड़े साइज के होते थे भाई, क्योंकि शुरू में जब कोई चीज़ बनती है ना बड़े साइज की होती है। ट्रैक्टर आते थे भी बड़े बड़े ही आते थे पहले, बायलार्स जैसे बड़े बड़े, बेलारूस होता था ना, अब वो छोटे छोटे भी बन गए, क्योंकि वो चीज़ मशीन बन गई ना तो उसके पार्ट्स को छोटे बनाने का आविष्कार चलता रहता है फिर। लेकिन शुरुआत में तो बड़ा ही होता है, फोन भी हमारे भारी भारी लंबे लंबे बड़े बड़े होते थे, अभी छोटे छोटे आ गए। एक्सटिंग्विशर भी जब शुरू में बनाया तो थोड़ा बड़ा बनाया गया था, अब वो धीरे धीरे साइज घटते गए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या हुई यार, एक आदमी इसको ना उठा नहीं पाता है, उठा के भाग के वहाँ तक जाता है, जब तक वो दो आदमी परेशान हो जाते हैं वो आग ज़्यादा लग जाती है, तो उसको क्यों ना छोटा बनाया जाए। इसीलिए आपके सामने छोटे छोटे रखियाज दिखाई देते हैं, समझ गए एक्सटिंग्विशर का क्या है। ये होते कई तरह के हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होते कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के हैं, ठीक है। इसको हम यहीं पे ये लगा सकते हैं, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। एक नंबर, सबसे पहले क्लास क्या, कौन सी होती है? सॉलिड, सॉलिड होती है। और उस पर मेथड कौन सा लगाते हैं आप बताओ, कौन सा मेथड लगाते हैं? सबसे पहले कौन से होते हैं?
वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ए क्लास की आग बुझाने के लिए कूलिंग मेथड लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी में आग लगी होगी तो ठंडा ही करके उसको बुझाएंगे ना, ठंडी हो जाएगी तो वो नमी पकड़ जाएगी, आग बुझ जाएगी, दोबारा लगेगी भी नहीं, इसलिए उसको ठंडा किया जाता है, वो बाद में बताएंगे। चलो अभी खाली अपन यही देखना, सबसे पहला कौन सा होता है, और सबसे पहले यही बने थे, सबसे पहले यही सिलेंडर बने थे जो पानी फेंकते थे आग के ऊपर, पानी फेंकते थे, क्या है ना बाल्टियाँ हर जगह नहीं होती थी, बाल्टियाँ इतनी दूर तक नहीं फेंकती थी, वो बाल्टी फेंके तो पूरा एक साथ पानी फेंकती थी। एक्सटिंग्विशर में क्या होता था, उसकी जो पाइप है ना वो पतली एकदम पिचकारी बना के और बारिश की तरह ऐसे बूंद फेंकते थे, तो ज़्यादा कारगर साबित होता है। वाटर टाइप सेकेंड आपका आता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप ये कैसे होते हैं वो भी बताएंगे, वो बाद में आएगा, तभी मैंने आपको बोला एक्सटिंग्विशर की क्लास कम से कम 10 दिन लेंगे तो पूरा समझ आएगा, एक ही दिन में तो खिचड़ी बन जाएगा। फिर एक तीसरा होता है, क्या होता है, इसमें बेटा कुछ नहीं होता है, CO2 गैस वाले में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। वो बाद में पूछिए, अभी सवाल मत करो। सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस भरी होती है, वाल खोली, गैस चालू करी, CO2 गैस क्या ना बहुत ठंडी होती है, वो बर्फ़ बना देती है साथ के साथ। दिखाऊंगा कभी, जिस दिन अपन CO2 चलाएंगे ना उस दिन देखना, उसको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, बल्कि मुंह से जहाँ से CO2 फेंक रहे ना वहाँ से शिमला की तरफ बर्फ़ फेंकना शुरू कर देगी, वो इतनी ठंडी होती है, इसीलिए ये कामयाब है। ऐसा नहीं है CO2 गैस फेंकती तो वहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, हम भी मर जाएंगे, इतनी भी नहीं फेंकती है वो खाली आग के ऊपर मारने के लिए है, आग को बुझा के वो तुरंत वायुमंडल में जो है शामिल हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उससे। ड्राई पाउडर टाइप ये जो रखे हुए हैं, ये चार मैन होते हैं, ये चार टाइप के जो है मैन होते हैं, इसके अलावा एक दो और भी है, हेलोन वगैरह हैं, उसको आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ये हमने पढ़, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम कहीं भी जाएंगे, किसी पेट्रोल पंप पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, आप कहीं पिक्चर देखने भी चले जाओ, जैसा कि मैंने चार पाँच जगह आपको जो भी बताई हैं, चाहे आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग में घुस जाओ जाके, अगर सिलेंडर कहीं रखा मिलेगा तो आपको इन्हीं में से मिलेगा, कोई इनके अलावा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत ही कम जगह मिलेगा, उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और हर तरह के आग पे यूज नहीं होता है, इसलिए वो कम मिलता है। फोम टाइप का जो है ये ज़्यादातर आपको सिर्फ पेट्रोल पंप पे या जहाँ पे तेल निकाला डाला जाता है, तेल के गोदाम होते हैं, वहाँ मिलेगा, उसके अलावा आपको ये भी कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये जो दोनों हैं ये मल्टीपर्पज़ है बेटा, मल्टीपर्पज़ समझते हो, हाँ मल्टीपर्पज़, एक से ज़्यादा तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ को हम मल्टीपर्पज़ बोलते हैं, तो ये दोनों मल्टीपर्पज़ है, ये हर जगह मिल जाएंगे। इनमें से भी अगर हम बात करें परसेंटेज पे आए तो ये 70% रहेगा, ये 30 रहेगा, या तो ये 60-40 रहेगा, 50-50 कभी नहीं होगा। CO2 गैस जो एक्सटिंग्विशर है ये महंगा आता है, ये महंगा आता है, बड़ा होता है, और DCP जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, सस्ते में काम चल जाता है और रिफिल भी जल्दी कम पैसे में हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा मल्टीपर्पज़ यूज किया जाने वाला एक्सटिंग्विशर होता है, ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक एक करके बात करेंगे फिर इनकी अलग अलग से, एक दिन सिर्फ इसी को पूरा करेंगे, फिर दूसरा दिन इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा दिन इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना, क्योंकि बेटा सब बड़े चैप्टर हैं। ये सिलेंडर आपके सामने रखा है इसका मतलब ये नहीं कि बस सिलेंडर है, हमने देख लिया हमारा काम हो गया, ये सिलेंडर के अंदर बहुत चीज़ है, उसके अंदर क्या चीज़ है, कौन सा केमिकल है और वो केमिकल कैसे काम करता है, और सोचने की बात तो ये है कि इतनी प्रेशर से बाहर निकल के कैसे आता है यार, इसके अंदर पड़ा हुआ मैंने क्या क्या ऊपर से ऐसे मुक्का मार गए या ऐसे दबा गए उसकी पिन को,
दबा दिया तो उसमें से फटाफट पूरा पाउडर पानी या जो कुछ भी है चारों अंदर सब कुछ बाहर निकलने लगता है। तो कुछ तो अंदर तरीका होता होगा। अलग टाइप पे अलग टाइप का जो है, अगर फायर की टाइप अलग है तो उस पर एक्सटिंग्विशर भी अलग टाइप का यूज़ हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन भी सीखना पड़ेगा कौन सी आग पे कौन सा लगाएं। तो देखो उसमें टाइम देना चाहिए हमें, आराम आराम से सीखेंगे। अभी जनरली मैं आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर आता है। वाटर टाइप आप समझ गए, इनके अंदर पानी होता है और किसी तरह की एक गैस के दबाव द्वारा उसको जो है एक्सटिंग्विशर से प्रेशर के साथ बाहर निकाला जाता है और उसी को जो है ना ऐसे ऐसे करके बारिश की तरह ऊपर से बूंदें बिखराई जाती हैं, किसके ऊपर, जली हुई आग के ऊपर, ठीक है। और वैसे थोड़ा सा अगर हमें आपको आइडिया भी दूँ तो वाटर टाइप जो है ए क्लास की आग पर ही बेटर होता है। ए क्लास की आग पर ही बेटर होता है क्योंकि पानी ना तो तेल की आग बुझा सकता है ना गैस को बुझा सकता है, गैस के आर पार निकल जाएगा, तेल के नीचे जाके बैठ जाएगा, नहीं होएगा ना उससे कुछ भी। तो ये जो है ए क्लास की आग के लिए बेटर होते हैं और इनके अंदर सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी फेंकते हैं बाकी कुछ नहीं है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है ये हमारी बी क्लास की आग बुझाने के काम आते हैं। कौन सी? अब बी क्लास का क्या होता है, तेल वेल भी होती है ना, तो तेल वगैरह की आग के लिए इन सबसे ज़्यादा बेटर ये है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला तेल के गोदाम में या तेल जहाँ पर रिफिलिंग होता है निकाला जाता है डाला जाता है या फिर पेट्रोल पंप पे ही ये मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि दूसरे किसी आग के लिए कामयाब है ही नहीं। ये पता है क्या करते हैं, ये फोम जानते हो क्या होता है, झाग होता है जो वॉशिंग मशीन में बनता है ना, कपड़े धोते टाइम बनता है वो झाग होता है। तो ये जो है सिर्फ झाग पैदा करता है, वॉशिंग पाउडर वाला नहीं करता है, दूसरे टाइप का होता है वो, तो इसका टाइम आएगा तब बताएंगे खोल के आपको पूरा। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर फोम झाग फेंकते हैं तेल के ऊपर, वो क्या है ना डूबते नहीं हैं, समझ आया कि नहीं आया? अभी झाग तो डूबेंगे नहीं ना तेल के अंदर, तो साले ऊपर तैरते रहेंगे। तो ये काम कर, काम कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पता चल गया बी क्लास की आग के लिए बेटर है और झाग फेंकते हैं, इनमें कुछ ऐसा डाला जाता है अंदर पानी में मिला के मिक्स करके कि वो बाहर आते ही झाग बनाना शुरू कर देता है। अंदर झाग बनाएगा तो वो झाग बना रहेगा, लिक्विड तो होगा ही नहीं उसमें, झाग ही झाग हो जाएंगे। पहले से ही झाग होंगे ना तो बाहर क्या आएंगे, झाग फूट जाएंगे सारे बुलबुले। तो इसमें ऐसा लिक्विड डाला जाता है पानी के साथ मिला के जो बाहर आके हवा के संपर्क में और तेज हवा के फ्लो में वो झाग बनाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर तेल की आग को बुझाते हैं। CO2 गैस मैंने आपको बताया था सभी सिलेंडरों से, बाकी सभी सिलेंडर एक दूसरे से मिलते जुलते एक जैसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत फर्क होता है। CO2 गैस का बिल्कुल अलग होता है, अपने इधर अभी रखा नहीं है और रिफिलिंग पे गया है, जैसे आएगा फिर उस दिन दिखाऊंगा मैं आपको। उस पर ऊपर जो है पानी की ठुट्ठी पे नहीं होती वो गोल ढक्कन होते थे पहले, अभी तो बंद हो गए गोल ढक्कन ना, अभी वो ऐसे खाली चकोर आ गए हैं बस वैसे पकड़ के घुमाने के लिए। पहले वो गोल ढक्कन होता था पुरानी ठुट्ठियों में सारियों में, तो वो ऐसे पहिया होता है उसके ऊपर, उस पहिया ऐसे शील निकाल के वो पहिया घुमा दो गैस निकलनी चालू हो जाएगी, और डिस्चार्ज ट्यूब या होर जो होता है उसको पकड़ के ऐसे आग पे लगाओ आग बुझाओ, तो इसको बंद कर दो, जितनी गैस निकल गई उतनी चली गई, बाकी जो बची उसको बंद करके वैसे ही रख दिया हमने। ये बड़ा अच्छा है ये, बाकी सब क्या ना एक बार चला दिया तो खाली होगा ही होगा वो उसमें कुछ नहीं बचेगा, लेकिन CO2 गैस वाले में क्या हमने प्योर गैस है, खाली होकर कहाँ जाएगी वो, जितनी यूज करनी है करेंगे बाकी बंद कर देंगे, उसे बच जाएगी फिर रख देंगे, वो तो पूरा खाली हो जाएगा ना, कई बार चलाने के बाद खाली होगा तब भरना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ CO2 गैस है भाई, और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत ठंडी होती है। अब बहुत ठंडी होती है तो इसको तो चाहे जिस पे लगा लो, गैस है, बिजली की आग पे भी लगा लो डायरेक्ट, वैसे से बिजली के बोर्ड पे मार लो, क्योंकि ना तो पानी है और ना इसमें पाउडर है कि बोर्ड में चिपक जाएगा, बोर्ड जल जाएगा खराब हो जाएगा, गैस है साथ के साथ उठ जाएगी, है ना। कंप्यूटर में आग लगी हो तब भी लगा दो, एसी में लगी हो तब भी लगा दो, मोटर में लगी हो पैनल में लगी हो CO2 गैस को कहीं यूज करो सिलेंडर को, क्योंकि अब तो हमें करंट नहीं लगेगा, गैस है ना हवा के तौरान जा रही है, वो तो जा रही है ना, तो ठीक है समझ गए CO2 गैस का सिस्टम। अब लास्ट आपका ड्राई पाउडर का आता है, ड्राई पाउडर में भी दो तीन टाइप के हैं, बट दो तीन टाइप के अभी नहीं बताने हैं मुझे। ड्राई पाउडर का मतलब है ऐसा सूखा हुआ पाउडर होता है इस सिलेंडर के अंदर जो दबाव से भरी हुई गैस के प्रेशर से बाहर निकाला जाता है उसको, और बाहर आग के ऊपर मार के आग को बुझाया जाता है।
पाउडर होता है, बहुत महीन होता है, बहुत पतला होता है और इसके अंदर एक केमिकल मिला होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पाउडर है, वो तो शरीर पे भी लगाते हैं, वो आग कैसे बुझा देगा, इसमें केमिकल होता है। एक्चुअली इसको डीसीपी भी बोलते थे पहले, अभी सिर्फ ड्राई पाउडर लिखने लगे हैं। इसका नाम जो है डीसीपी भी होता है। क्या होता है ये? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है क्या है ये? ड्राई केमिकल पाउडर, समझ गए? अभी डीसीपी लिखा मिला, डीसीपी लिखा मिलेगा कई जगह, डीसीपी क्या होता है? तो मतलब ड्राई केमिकल पाउडर, सूखा हुआ रसायन मिला हुआ, रासायनिक सूखा पाउडर है, उसमें केमिकल मिला होता है जो किसी भी जलती हुई चीज़ पे जब फेंकते हैं तो उसके ऊपर ना ऐसे चिपक जाता है। हम तो ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन इतना हल्का नहीं होता कि हवा में चला जाए, वो ऊपर से धीरे धीरे बारिश की तरह आके उजलती हुई चीज़ के ऊपर चिपक जाएगा। अब जिस जो चीज़ जल रही है, जिस लकड़ी में, प्लास्टिक में, किसी चीज़ में भी, एनीथिंग, कुछ भी मान लो, बैग वैग, कपड़े वपड़े, किसी का कुछ भी जल रहा है, उसमें आग लगी हुई है और उसके ऊपर पूरा पाउडर की परत जमा देंगे तो आग कैसे रहेगी? आग तो बुझ जाएगी ना, वो दोनों काम करेगा, उसको ठंडा कर देगा क्योंकि टेम्परेचर गर्म था, उसके ऊपर जाके चिपक गया, खुद गर्म हो गया, जल गया बेशक से, लेकिन उसको तो ठंडा कर दिया। दूसरा क्या है, उसकी सतह जो जल रही थी ना उस पर खुद लेट गया तो ऑक्सीजन ऊपर रहेगी और जलने वाली चीज़ नीचे रहेगी, बीच में वो परत बन गया है ना, तो दो दो आइडिया से आग बुझा देगा, कूलिंग भी लगा देगा और ऑक्सीजन का कनेक्शन काट दिए तो कौन सा बन गया, समुद्री। हाँ ये दिमाग लगा के रखो, मैं ऐसे बीच में पूछता रहूँगा। तो ये चारों समझ आए, समझ आ रहे हैं? अब एक एक करके, कल हम इसको ले लेते हैं, फिर एक दिन इसको, फिर एक दिन इसको, क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल जानना ज़रूरी है। पहले कैसा टाइप का होता था, अब कैसा टाइप का है, इसमें भी कई टाइप हैं, ऐसा नहीं है एक वाटर टाइप बोलते हैं तो वाटर टाइप में भी दो तीन तरह के मिलेंगे। अब वो अलग अलग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें पहले क्या डाला जाता था और अब लेटेस्ट टाइम में क्या डाला जाता है, ठीक है, और उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, खाली हो जाए तो भरा कैसे जाता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें डिटेल एक एक करके लेंगे सभी की। अभी आज के लिए आपका चैप्टर इतना है। चार टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं और आइडिया भी आ गया होगा कौन सा टाइप किस आग पे हम लोग यूज कर सकते हैं। कम्प्लीटली डिटेल जो है ना एक एक करके आपको बताऊंगा मैं अगले 10 दिन में। अभी इस महीने के 10 दिन बचे हैं ना, तब तक ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको ही जो है बस क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका कल जो है वो स्पेशल वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का आएगा और सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके?